राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है, भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याण कारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान करने वाला। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर उधर्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेद वेता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुत्र तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक और शत्रु के कष्ट से छूटना, यह एक तरफ, वे तीन और यह एक बराबर ही है। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घ सूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए
त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान लें। तात, गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान, आपके घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। महाराज, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश, चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन पांच अग्नियों को बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितृ, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोचारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन छह को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसुया, क्षमा तथा धैर्य, इन छह गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रिय वादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये छह बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में नित्य रहने वाले छह शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जो वश में कर लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। निम्नांकित छह प्रकार के मनुष्य छह प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। सातवें की तो उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। क्षण भर भी देखरेख न करने से गौ, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये छह चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये छह सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृत कार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना। राजन, ये छह मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये छह सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार,
मध्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये सात दुखदाई दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के आठ पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मनाता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ याग आदि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे। भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये आठ हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये आठ गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष नौ दरवाजे वाले, तीन खंभों वाले, पांच साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी ग्रह को जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है।